अस्सलाम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिकंदर तैमूर और एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ब्रीड है जिसे शीटोस कहा जाता है और पाकिस्तान के अंदर ये जो ब्रीड है काफी परवान चढ़ रही है। आज हम आए हैं एक ऐसे गाँव के अंदर जहाँ पर नवाबों के शहर के अंदर नवाबों का कुत्ता और बहुत ही राख के साथ रह रहा है, लेकिन ये जिस मुल्क से आया है उस मुल्क का नाम है मलाइशिया और मलाइशिया से पासपोर्ट के साथ जहाज में ट्रेवल करता हुआ ये कमालिया की सरजमीन पर उतरा है। नाजरीन, आप देख सकते हैं इसकी शक्ल जो है बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ये एक मखसूस किस्म की ब्रीड और कुदरत का शाहकार है जो हमारे सामने आ जाया, और ये बिजनेस कैसे परवान चढ़ रहा है और इसकी कीमत क्या है और किस तरह मलाइशिया से उन्होंने इम्पोर्ट किया है। हमारे साथ मौजूद है कमालिया के नवाबों के खानदान में से ताल्लुक रखने वाले अली अब्बास खान साहब। हम इनसे बात करते हैं कि ये इनका कुत्ता है और इन्होंने कहां से लिया और ये बिजनेस कैसे इन्होंने शुरू किया। जी अली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कैसे हैं? ठीक। अली भाई बताइएगा, ये आपने कहां से लिया है और क्या कीमत है इसकी? ये मैंने एक ब्रीडर है लाहौर से, उनका नाम है असद अंसारी, उनसे मैंने ये परचेज की है और उनके पास ये सारी इम्पोर्टेड फीमेल्स और इसके पेरेंट्स सारे इम्पोर्टेड हैं, वो इनका पासपोर्ट्स वगैरह बनवा के देते हैं आपको। तो पहले नंबर पे ये बताएं कि ये कुत्ता है कि कुत्ती है? ये फीमेल है। अच्छा, और इसके साथ पासपोर्ट पेडिग्रीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको ये कितने के अंदर यहाँ से मिला है? ये 85,000 इसकी प्राइस है। 85,000 का, नाजरीन आप देख रहे हैं 85,000 रुपए का ये एक फीमेल जो पपी है ये इनको मिला है, और एलजीएस के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी तालीम के साथ साथ इन्होंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि नौजवानों के अंदर बहुत अक्सरियत से ये काम परवान चढ़ रहा है। इसके राख जो है कुत्तों के वो फॉर्च्यूनर के अंदर फिरता है और डीएचए के अंदर रहता है और बहुत ही अलग किस्म की खुराक खाता है। पूछते हैं इनसे कि क्या खाता है। ये अली भाई, इसकी खुराक क्या है? इसकी रॉयल कैनन डॉग फूड है। रॉयल कैनन? हाँ जी। इसका मतलब है कि ये रॉयल फैमिली से ही ताल्लुक रखता है? बिल्कुल, ये फूड भी रॉयल है क्योंकि 7,500 का छोटा पैकेट है। इस महंगाई के दौर में काफी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है लेकिन फिर शौक के। और इसका बच्चा जो है वो कितने का मिल जाएगा अगर आपसे कोई लेना चाहता है ब्रीड की सूरत में, तो कितने में आप उसको प्रोवाइड करेंगे? अभी तो ये खुद बच्ची है लेकिन इन फ्यूचर जब होगा तो मार्केट प्राइस इसकी इतनी ही रहती है और शुरू से इतनी है। 85 से 1 लाख का आपको पेडिग्री पपी मिलता है, और नॉन पेडिग्री जो कि लो क्वालिटी होता है अगर आप वो लेना चाहते हैं तो 30-40 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो क्वालिटी में उतने अच्छे नहीं होते। सही। तो नाज़रीन, आपने सुना कि उनके क्या रिमार्क्स थे इस ब्रीड के बारे में, और आज यहाँ पे हम आए हैं तो अपने गाँव के अंदर आई फिर रही थी तो हमें मौका मिला इस ब्रीड को जानने के हवाले से। तो गांव के अंदर ये खेतों के अंदर भी ये गुजारा कर लेता है और डीएचए के अंदर भी रह लेता है। तो आज बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, आप भी इस शौक को पाल सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं और लाखों रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।